एंजॉय नेचर देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक DIY बनाएंगे। हम एक लेडीज़ बग को बनाएंगे जिसको कि हम अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे हमारा गार्डन है जो वो खूबसूरत लगेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको मार्केट में से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में से ही कुछ चीज़ों से इनको बना सकते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही इजी है। तो हम इनको बनाना शुरू करते हैं। हमें इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो फ्रेंड्स, इनको बनाने के लिए हमको जो सबसे पहले ये वॉलनट के शेल चाहिए। ये वॉलनट जो कि हम सर्दी में खाते हैं, लेकिन उनके जो शेल होते हैं जी, इनको हम यूँ ही फेंक देते हैं। ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो हम इनसे भी बहुत सी डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। इन शेल से ही आज हम लेडीज़ बग को बनाएंगे। तो इन शेल्स को पेंट करने के लिए हमें कलर्स की भी ज़रूरत होती है। तो इनके लिए हमने जे कैमल के फैब्रिक कलर लिए हैं। ये वाटर कलर्स होते हैं और बहुत ही जल्दी है जे ड्राई हो जाते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो और इनको लिए हमें ये दो ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें ये फ्लैट ब्रश चाहिए और एक हमें ये जीरो साइज़ का बारीक वाला ब्रश ये चाहिए। और हमको एक एम सिल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास अगर ये एम सिल नहीं है तो आप कोई भी ग्लू को यूज़ कर सकते हैं। जो आप ग्लू गन है तो आप ग्लू गन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनके लिए एम सिल को ही यूज़ किया है, मुझे ये इजी लगा। तो आपको एक जे यू पिन चाहिए, जो कि हमारे घर में अक्सर होती ही हैं। अगर आपके पास यू पिन नहीं है तो आप किसी भी वायर को लेकर उनको फोल्ड करके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन शेल्स को पहले पेंट कर लेते हैं। आप कोई भी कलर से इनको पेंट कर सकते हैं, जो कलर भी आपको अच्छे लगे आप उन कलर से ही इनको पेंट कर सकते हैं। तो आप इन शेल्स को अच्छी तरह से पेंट कर लें। अगर आप एक कोट से ये ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं तो आप इन पर डबल कोट कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही इनको अलग अलग कलर से पेंट कर लें। तो हमने इन शेल्स को अलग अलग कलर से पेंट कर लिया है। तो अब हम इनको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। हमारे ये शेल्स हैं जो वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर बग्स को बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये ब्लैक कलर लिया है और ये जीरो साइज़ का जो ब्रश है उसको लिया है। तो हम इनसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इनका जो है जो फेस बनाएंगे।
और हम ब्लैक कलर से इस पर ये छोटे छोटे से डॉट्स बना देंगे। जी ऐसे बन गया है और हम सभी शेल्स के ऊपर ही ऐसे डॉट्स हैं जो वो बना लेंगे। ऐसे हम अलग अलग डिज़ाइन से ही इन सब को ऐसे डॉट्स बना लेते हैं। तो हमने इन सभी को ऐसे अलग अलग डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया। अब हम वाइट कलर से इनकी जो है वो आँख बनाएंगे। और हम सबकी है जो आँख हैं बना लेते हैं। जी हमने सभी की आँख बना दी है। अब हम रेड कलर से इनके फेस बनाएंगे। तो हमने इनको स्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने जो एम सील ली थी आप थोड़ी सी एम सील को लेंगे। और आप इनके बीच में लगा देंगे यहीं पर ऐसे। तो आप इनके लिए ग्लू गन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो यू पिन है जो इनको इनके बीच में लगा देंगे। तो हम फिर इनको ऐसे ही आसानी से किसी भी प्लांट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं और जे हम चाहें तो इसको हम पॉट के बीच में से भी ऐसे रख सकते हैं।
आप उनको ऐसे किसी भी पॉट के ऊपर हैं जो वो लगा सकते हैं। आप अपने प्लांट्स के ऊपर इनको ऐसे रख सकते हैं और या फिर आप पॉट के बीच में भी इनको लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ।